हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है। ज्यादातर उपकरण 2-4 साल बाद जब खराब हो जाते हैं, कबाड़ का कारोबार करने वाले इन्हें खरीद लेते हैं। इन्हें तोड़कर उपयोगी हिस्सों को निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी हिस्सों को वह जंगल या खाली पड़ी जगहों पर फेंक देते हैं। इन उपकरणों में कई पारा या रेडिएशन फैलाने वाली घातक धातुएं भी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटान की ठोस नीति नहीं होने के कारण यह कचरा एक स्थान पर पड़ा रहता है तथा धीरे धीरे कचरे के ढेर में बदल जाता है। वह स्वतः नष्ट नहीं होता है, अपितु जो घातक धातुएं होती हैं वह जमीन और वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे की तरह ही प्लास्टिक भी ऐसा कचरा है जिसके समुचित निपटान के प्रबंध नहीं है। लोग प्लास्टिक के सामानों, थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल ज़्यादा है। वजह यह है कि ये सस्ते होते हैं, इसलिए जब ये बेकार हो जाते हैं तो लोग इसे फेंक देते हैं या जला देते हैं। इससे कई नुकसान हैं। जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी घातक गैसें उत्पन्न होती हैं और वातावरण को दूषित करती हैं। यदि प्लास्टिक के टूटे फूटे सामानों एवं थैलियों को एकत्र कर पुनर्चरण चक्रण के लिए वापस फैक्ट्री तक पहुँचा दिया जाए तो इनसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऐसा करने के लिए समुचित साधन या ऐसी व्यवस्था बहुत कम है। जैविक कचरे में वे वस्तुएं आती हैं जो आसानी से नष्ट हो जाती हैं, जैसे खाने पीने की बची वस्तुएं, सड़े गले फल, छिलके, सब्जियों के अवशेष आदि। ऐसे पदार्थ कुछ समय के बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसे कूड़े को हम खुली जगह पर फेंक दें तो कुछ ही दिनों में वह सड़ने लगता है, मच्छर और मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, इससे वातावरण प्रदूषित होने लगता है। जैविक कचरे के सड़ने से कई गैस एवं रसायन उत्पन्न होते हैं जो वातावरण एवं धरती को प्रदूषित करते हैं। उपयुक्त 3 किस्म के कचरों का यदि सही प्रबंधन कर दिया जाए तो हमारा शहर, गांव या कस्बा साफ स्वच्छ नजर आएगा। जहां तहां कचरे एवं कूड़े का ढेर नजर नहीं आएंगे, हमारी धरती और वातावरण प्रदूषित नहीं होंगे। दरअसल इसमें सभी पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहली जिम्मेदारी लोगों की है, वे कचरे को जहां तहां नहीं फेंके बल्कि तय स्थान पर ही फेंके, जहां से उसे नियमित रूप से उठाया जाता हो। उसके बाद स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी आती है कि कूड़ा उठाकर उनका निपटान करते हैं। यहां 2 समस्याएं हैं। पहली, WHO के सर्वे के अनुसार 40% कूड़ा निकाय उठाती ही नहीं। दूसरी, जिसे उठाते समय से 60% के निपटान के उनके पास इंतजाम नहीं है, जबकि आज कूड़े से बिजली बनाई जा सकती है। जरूरत इसके लिए पहल करने की है। स्वच्छता को प्रभावित करने वाला अन्य कारण, हमारे देश में आज की आबादी का एक बड़ा तबका भोजन पकाने के लिए परंपरागत ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसमें लकड़ी, गोबर के उपले और केरोसिन का इस्तेमाल शामिल है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण दोनों को प्रदूषित करती है। स्वच्छ रसोई गैस और सौर्य ऊर्जा के ईंधन को बढ़ावा देकर इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट के अनुसार पतितापावनी गंगा नदी जैसे ही ऋषिकेश के आगे निकलती है उसमें प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि हरिद्वार में उसका पानी पीने के लायक नहीं रह जाता। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब गंगा कानपुर पार करती है। कानपुर और इलाहाबाद के बीच में गंगा के तटों पर 300 से भी ज़्यादा उद्योग हैं जिनका कचरा गंगा में बहता है। हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद के बीच 100 शहर हैं जिनका सीवेज गंगा में डाल दिया जाता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन उसके पानी में इतने कीटाणु और रसायन घुल जाते हैं कि वैज्ञानिकों ने उस पानी को नहाने के भी उपयोग करार नहीं दिया। यही हाल देश की अन्य नदियों का है।